हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा सिंह, बीएमएस सेकेंड ईयर, बैच 2017-18, फ्रॉम श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ। टुडे माय टॉपिक इज़ मदयंतिका। सबसे पहले हम इसमें इसके कंटेंट्स देखते हैं, परिचय, स्वरूप, गुण, कर्म, प्रयोग एवं मात्रा। परिचय: मदयंतिका मेहंदी, हिना के नाम से इसे जाना जाता है। यह लिथरेसी कुल में आती है। इसका साइंटिफिक नेम लो सोनिया इनर्मस है। स्वरूप: यह एक प्रसिद्ध गुल्मजातीय पौधा है। कभी कभी इसका वृक्ष 20 फीट तक ऊंचा होता है। पत्र यानी पत्ते: इसके पत्ते 3/4 से 1.5 इंच लंबे, जो पीसने पर लाल रंग के हो जाते हैं। पुष्प यानी फूल: इसके फूल सुगंधित श्वेत वर्णिया क्रीम के रंग के होते हैं। फल मटर के समान गोलाकार होते हैं, जिनके भीतर छोटे छोटे पिरामिड की आकृति के चिकने अनेक बीज रहते हैं। अक्टूबर नवंबर में पुष्प और उसके बाद फल लगते हैं। उत्पत्ति स्थान एवं रासायनिक संगठन: उत्पत्ति स्थान यह समस्त भारत में लगाई जाती है। व्यावसायिक रूप से इसकी उपज मुख्यतः पंजाब, गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। रासायनिक संगठन: मेहंदी की पत्तियों में टैनिन 10.21% तथा लोसेन नामक मुख्य रजत द्रव्य होता है। इसके अतिरिक्त गैलिक एसिड, ग्लूकोज, मैनिटोल, वसा, राल, म्यूसिलेज तथा एक शराब होता है। इससे एक सुगंधित तेल भी गाढ़े भूरे रंग का प्राप्त किया जाता है। गुण: इसके गुण लघु और रूक्ष्म होते हैं। रस तिक्त कषाय, विपाक कटु, वीर्य शीत होता है। कर्म: मेहंदी मूत्रवर्धक होती है। मेहंदी दर्द को कम करती है। शरीर के विजातीय द्रव्य को बाहर निकालती है। मेहंदी कब्ज के इलाज में भी लाभदायक है। हेमरेज, छाले, अल्सर, चोट, बुखार और आधा सीसी के दर्द में भी मेहंदी छुटकारा दिलाती है। प्रयोग: यह कफ पित्त जन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। हाथ पैर की जलन में पत्तियों का लेप करते हैं। मुख तथा गले के रोगों में इसके क्वाथ से कुल्ला करते हैं। बालों को काला करने के लिए इसका लेप करते हैं। अनिद्रा में पुष्पों का फंड देते हैं। मेहंदी के नुकसान: बाजारों में लगाई जाने वाली मेहंदी में खतरनाक रसायन पीपीडी और डायमिन मौजूद होते हैं, जो आपकी त्वचा को कई प्रकार के रोग दे सकते हैं, जैसे त्वचा में खुजली, जलन, सूजन आदि। इन रसायनों का उपयोग मेहंदी में रंग गाढ़ा हो इसके लिए किया जाता है। सावधानी: यह आप अवश्य ध्यान रखें कि बाजार में उपलब्ध कराई जाने वाली मेहंदी का औषधीय उपयोग ना करें। इसमें कई तरह के खतरनाक रसायन मिले होते हैं। मात्रा: स्वरस 5 से 10 मिलीलीटर, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम, विशिष्ट योग मध्यनादि चूर्ण। धन्यवाद।